सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीसी टेक वाईटी के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, ये है जो अमेज़ॉन का पैकेज जो कि बुलवाया है मेरे दोस्त ने, मेरे दोस्त का ये, और फिलहाल अभी मेरे पास ही है और ये अनबॉक्स करेगा। और ये जो इसमें है SSD है, तो हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि किस कौन सी SSD है। मेरे को खुद नहीं पता कौन सी SSD इसने बुलवाई है भाई, बिना पूछे बुलवाई है। अब देखते हैं क्या कैसा होता है। तो ओपन करें यार भाई इसको, और थोड़ा यहाँ पे जुगाड़ चल रहा है ब्लेड से, कैंची वगैरह तो है नहीं हमारे पास। ओके, ओपन करो। कितने GB की बुलवाई थी? 246। ओके, 256 भी। अच्छा, 256 की थी। हाँ भाई, 246 कहाँ से आ जाएगी। तो गाइस, ये हो गई हमारी अनबॉक्सिंग, होते ही जा रही है। मैं ब्लेड को साइड में कर देता हूँ। ये रिसेप्ट है हमारी, और ये है हमारी WD ग्रीन की SSD जो कि आप देख सकते हो। ओके, तो इन्होंने एक M.2 NVMe SSD बुलवाई है जो कि 240 GB की है, और भाई काफ़ी सही है। और अब मैं आपको इसको अनबॉक्स करके और दिखा देता हूँ अंदर से कैसी क्या दिखती है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँगा इस, तो ये आपको कितने की पड़ी थी? अराउंड 2400 के आसपास आप देख सकते हो। ये बिलिंग है इसकी 2400 के आसपास की ये है, और M.2 NVMe इसने बुलवाई है अपने। तो गाइस, ये हमारी SSD WD ग्रीन ये अनबॉक्स हो चुकी है, और आप इसका देख सकते हो, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड में और हम सीधे अपने SSD दिखाते हैं। मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ पहले। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये हमारी WD की SSD है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 240 GB की SSD आपको देखने को मिल जाती है, जो कि M.2 NVMe SSD है। बहुत ही काफ़ी अच्छी होती है WD की तरफ से भाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, और यू नो बजट के हिसाब से बहुत अच्छी SSD है भाई। इसको ऐसे वैसे ऐसे तो नहीं पकड़ना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम चला लेंगे। तो गाइज़, ये देख सकते हो ये SSD है, और भाई मैं फ़िलहाल तो इसको इसके बॉक्स में रख दूंगा। जब हम लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करने वाले हैं या मदरबोर्ड में जब हम लगाएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल वगैरह होती है। तो गाइज़, आई होप आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी जो अनबॉक्सिंग है WD ग्रीन की SSD, हमने M.2 NVMe बुलवाई थी, तो आपको पसंद आई होगी, कुछ इस तरीके की दिखती है। और भाई, और अगर आपको भी अपने मदरबोर्ड वगैरह अपने कंप्यूटर में लगाना है, तो ये SSD बेस्ट है, क्योंकि यू नो बजट में रहकर ये सबसे बेस्ट SSD हो जाती है, और जो रीड राइट स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैं एक बार आपको रीड राइट स्पीड और बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो 545 MB/s की इसकी रीड स्पीड है, तो काफ़ी डिसेंट इसकी रीड स्पीड हो जाती है। और M.2 NVMe SSD भाई बहुत ही अच्छी चलने वाली, और इसमें हमारी विंडोज़ को हम इसमें इस पर्टिकुलर अपने SSD में इंस्टॉल करेंगे। तो अगर हार्ड डिस्क से हम अपने SSD में इंस्टॉल करेंगे, भाई ये भाई कैसे करेगा वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। बेसिकली मैं ही करने वाला हूँ, ये बस चार कैसा रहा है वो मैं ये उससे पूछ लूँगा। बाकी तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भाई प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग की वीडियोस वगैरह लाते रहते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तब तक हम आपको मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।